ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सब जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डिजाइनर हो गया, ये जो सीएमआर जो नया 2017 वाला आया हुआ है उसमें डाला गया है कि कॉन्ट्रैक्टर डिजाइनर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, ये चारों को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर में क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, होता है ना कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई सिंगल आदमी हो सकता है वो, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो मिलके एक एसोसिएशन बना ले, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई फर्म हो सकता है, या कोई लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी हो सकता है, जो क्या करता है, हु प्रोवाइड्स फॉर द सर्विसेज और ऑपरेशंस इन ए माइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जिसे होता है ना कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है या माइंस में माइनिंग ऑपरेशन करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। इंक्लूड्स ए सब कॉन्ट्रैक्टर, होता है ना सब कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे देता है, तो वही सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो सेफ्टी का इक्विपमेंट हुआ, ठीक है, तो बहुत सारा सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कुछ करना रहा तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो गया, कहीं माइनिंग ऑपरेशन करना रहा जो आउटसोर्सिंग कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, आउटसोर्सिंग कर दिए, मतलब क्या किए, किसी दूसरे कंपनी को दे दिए कि चलो जी तुम कोयला निकाल के दो, टेंडर वगैरह होगा उसको दे दिया जाए कि चलो तुमको इतना लाख कोयला निकालना है, निकाल के सीसीएल जो भी कंपनी है उसी कंपनी को देना है, तुमको सिर्फ कोयला निकाल देना है वहां से, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है। जैसे सेफ्टी वाला आइटम में क्या होता है, किसी को मान लो फायर एक्सटिंग्विशर का काम दे दिए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारा फिल करवाना, जी मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो भी माइंस में पड़ा हुआ है वो फिल करवा दो, तो सिंगल व्यक्ति हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब क्या, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब तीन चार व्यक्ति जो मिलके एक एसोसिएशन बना दिया वो हो सकता है, या कोई एक कंपनी हो सकता है, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी आज के माइंस टाइम में बहुत ज्यादा है, आउटसोर्सिंग कंपनी बहुत ज्यादा है, तो वो कंपनी हो सकता है, या कोई फर्म हो सकता है, या जो लोकल वहां का होता है ना आसपास का लोकल कॉन्ट्रैक्टर अथॉरिटी हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड्स फॉर द सर्विसेज और माइनिंग या ऑपरेशन वो प्रोवाइड करता, मतलब कोयला वगैरह निकालने का भी काम कर सकता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब डिजाइनर हो गया, नाम से पता चल रहा है, डिजाइनर मतलब क्या है, डिजाइन करने वाला, डिजाइनर मतलब क्या हो गया, डिजाइन करने वाला, तो ये भी क्या हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल हो सकता है या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे सीएमपीडीएल वगैरह क्या एक तरीके से कंपनी, आईएसएम क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, तो बहुत सारा कोल माइनिंग कंपनी क्या हो सकता है, आईएसएम के पास भी जा सकता है आईएसएम में कि आप ये कंडीशन है, एक अच्छा से कोल माइनिंग सिस्टम क्या, मेरा माइनिंग मेथड क्या होना चाहिए, कौन कौन सा मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल हमको बना के दीजिए अपना परफॉर्मा टाइप से। तो डिजाइनर वही होता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, या यहाँ पे भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, जो क्या करता है, वो डिजाइन करता है कोल माइनिंग सिस्टम, मेथड ऑफ कोल माइनिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेज और सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइंस, मतलब कोल माइंस में यूज होने वाली कुछ भी अप्लायंसेज हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, या मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट हो सकता है, या कोल माइनिंग सिस्टम या माइनिंग मेथड जो रहेगा, ये कौन डिजाइन करता है, वो जो डिजाइन करेगा वही डिजाइनर कहलाएगा। अब आता है सप्लायर, नाम से क्या पता चल रहा है कि सप्लायर क्या होगा, मतलब सप्लाई करने वाला, सप्लाई करने वाला, मान लो मशीनरी तो कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो सप्लायर वगैरह जिसे खरीद रहे वो सप्लाई कर रहा है, तो मींस ये भी क्या हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो क्या करता है, हु सप्लाइज ए टेक्नोलॉजी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट अप्लायंस सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस, मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर कर रहा है,
और मैन्युफैक्चरर कौन हो गया, जो मैन्युफैक्चर किया, जो बनाया। तो मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, ये भी इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो मैन्युफैक्चर करता है। हु मैन्युफैक्चर्स मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस, ये मैन्युफैक्चरर कहलाया। ये डिफिनेशन चारों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर का बहुत ही ज्यादा रोल बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए ये जो है चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ड्यूटी जो कॉन्ट्रैक्टर जो दिया हुआ है वो सब भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा तो ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, डिजाइनर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है। और कॉम्पिटेंट पर्सन से तो हर एक एग्जाम में ही क्वेश्चन आ रहा है आज के टाइम में। कुछ कुछ लड़के लोग छूट गए हैं क्या यार, जो लड़के लोग अभी मैसेज कर रहे हैं। इधर किसको क्या दिक्कत आ रहा है, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहा है। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या, सक्षम व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो गया, सक्षम व्यक्ति जो किसी काम को करने में सक्षम हो या किसी काम को सुपरवाइज करने में सक्षम हो, ठीक है, या कोई मशीन प्लांट इक्विपमेंट चलाने में सक्षम हो, और जो 20 साल की आयु मतलब 20 साल का एज पार कर लिया हो और जिसको मैनेजर रिटेन में लिख के ना अपॉइंट कर रहा है, तो ही कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है ए से रिलेटेड आता है, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या हो सकता है, इन रिलेशन टू एनी वर्क, किसी काम से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है या किसी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई व्यक्ति व्यक्ति हो सकता है। मतलब क्या, जो 20 साल का एज प्राप्त कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, मतलब 20 साल कंप्लीट कर लिया है और जिसको मैनेजर राइटिंग में अपॉइंट किया है, किसके लिए, एज ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज और परफॉर्म दैट वर्क, किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए या किसी काम को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर जिसको लिखित रूप में ऑथराइज किया है वो कॉम्पिटेंट पर्सन कराएगा, या सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ कोई भी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट के ऑपरेशन को सुपरवाइज करना है, कि खड़ा होकर देखना है, डायरेक्शन देना कि ऐसे चलाओ मशीन को, यहाँ पे ऐसे कटिंग करो, तो वो भी क्या हो गया, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन कराएगा। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूटीज असाइन टू हिम एंड इंक्लूड्स ए शॉर्ट फायर, साथ में इसके अंदर क्या आता है, शॉर्ट फायर आता है। तो कोई भी हो गया, मान लो एचईएम का ऑपरेटर हो गया, एचईएमएम चलाने वाला जो ऑपरेटर हो गया, तो ये भी क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। मतलब क्या है कि एचईएम मान लो सॉयल ऑपरेटर हो गया, डंपर ऑपरेटर हो गया, मतलब क्या, वो किसी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट को तो खुद से भी ऑपरेट कर रहा है ना, तो मतलब वो उसके लिए सक्षम व्यक्ति है। लेकिन एज क्या होना चाहिए, 20 साल क्रॉस कर लेना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, मैनेजर के द्वारा लिखित में उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन लड़का लोग बोलता है सर ओवरमैन क्या होगा, माइनिंग सरदार क्या होगा, तो सब कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, कॉम्पिटेंट पर्सन सभी लोग हो सकता है, कि किसी ना किसी काम को करने में सक्षम होगा या किसी काम को सुपरवाइज करने में सक्षम होगा तो कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाया। साथ में जो दो कंडीशन है, 20 साल और मैनेजर के द्वारा लिखित में अपॉइंटमेंट हो। तो शॉर्ट फायरर क्या है, ऑफिशियल नहीं है, शॉर्ट फायरर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, मतलब क्या, वो शॉर्ट फायरिंग के काम में उसको महारत हासिल है, वो शॉर्ट फायरिंग करवा सकता है, इसलिए वो भी शॉर्ट फायरर कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर आता है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है कि शॉर्ट फायरर रेगुलेशन नंबर कहाँ है, 190 में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब देखो मैनेजर खुद तो अपने को ऑथराइज नहीं कर सकता है, मैनेजर क्या, यहां क्या लिख रहा है कि जिसको मैनेजर लिखित रूप में अपॉइंट करेगा, मैनेजर अपॉइंट करेगा, क्या मैनेजर कोई खुद को अपॉइंट कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता है ना।
अब ऑफिशियल मतलब क्या? ऑफिशियल मतलब कोई भी पर्सन जो अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द, जिसको ओनर, एजेंट या मैनेजर अपॉइंट कर रहा है टू परफॉर्म द ड्यूटी जो सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ। और इसके अंदर क्या आता है? असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर। इसका फिक्स यहाँ दे दिया है, इतना नाम तुम लोग को ध्यान रखना है। देखो क्या क्या है: असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज। और सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज तुम लोग तभी समझ में आएगा जब इसके लिए रेगुलेशन नंबर 143, 144, 145 पढ़ोगे। नहीं तो सैंपलिंग इंचार्ज क्या होता है, डस्ट इंचार्ज क्या होता है, वो समझ में नहीं आएगा। सरदार, ओवरमैन, इंजीनियर, ये किस में आ जाएगा? सारा ऑफिशियल में आएगा। तो ऑफिशियल में तुमको यही ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ है बस वही ऑफिशियल में। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद देखना पिछला वीडियो बताए होंगे, मतलब जो इससे पहले के जो लेक्चर है सीएमआर का, मेरे फर्स्ट क्लास एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन कि इसमें से कौन ऑफिशियल नहीं है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। एक ऑप्शन में था मैनेजर, एक ऑप्शन में मैनेजर था, बाकी असिस्टेंट मैनेजर, शॉर्ट फाइव असिस्टेंट मैनेजर था, सैंपलिंग इंचार्ज था, ओवरमैन था, ऐसा ऑप्शन था। तो उसे क्या हो जाएगा? मैनेजर ऑफिशियल नहीं, ठीक है। देखो यहां पे जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बस उसी को हम लोग ऑफिशियल मांगेंगे मानेंगे, बाकी अटेंडेंस, क्लर्क वगैरह के बारे में तो कुछ तो यहां मेंशन किया नहीं है। परफॉर्म ड्यूटी जो सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ। अटेंडेंस क्लर्क क्या? सुपरविजन का तो माइनिंग काम, मतलब किसी भी माइनिंग वाले को तो सुपरविजन नहीं कर रहा है ना। एडल्ट मतलब क्या? ये ध्यान रखना, कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल, ये तुम लोग को दोनों का दोनों एग्जाम में आने का चांस है, दोनों के दोनों एग्जाम में आने का चांस है। पिछला क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, देखो सारा क्वेश्चन हम अपलोड करके रखे हुए हैं। तुम लोग देखना WCL SSCL वाले में, एक PYQ हम वहां पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें अभी तक का जो भी क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन अपलोड है वहां पे। हाँ, अटेंडेंस क्लर्क है कि कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है कि वो हाजिरी बाबू के रूप में काम कर रहा है, मतलब कोई भी काम करने में सक्षम है ना। तो यहाँ तो लिखा हुआ है इन रिलेशन टू एनी वर्क, तो अटेंडेंस क्लर्क को हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट देख लो ना, ओनर, एजेंट, मैनेजर कोई भी कर सकता है, या ओनर कर सकता है, एजेंट कर सकता है, मैनेजर कर सकता है। ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। एडल्ट मतलब क्या? अब लड़का लोग देखो, कुछ कुछ लड़का को ये भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। एडल्ट मतलब क्या? तुम वोट डालने का अधिकार तुमको कब प्राप्त हो रहा है? 18 साल हो जाता है तो एडल्ट वही होता है। यहाँ तुमसे शादी का एज नहीं पूछ रहा है कि 21 साल, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में एडल्ट मतलब लड़का लोग समझ जाता है शादी का एज पूछ रहा है, ठीक है, तो वो टिक नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर रहता है 16 रहेगा, 18 रहेगा, 21 रहेगा और 20 रहेगा। तो लड़का लोग 20 में समझ लेगा कि अरे यार, हम लोग तो कोई भी एग्जाम दीजिए, मैं इसका 20 साल कम से कम होना चाहिए। तो बहुत लड़का लोग 20 टिक कर देता है, बहुत लड़का लोग 21 टिक कर देता है कि शादी का एज पूछ ले रहा है क्या। शादी का एज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एडल्ट मतलब क्या, ये 18 साल। मैनेजर मतलब क्या? मैनेजर मीन्स मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। देखो ऐसा ही क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, कि मैनेजर मतलब क्या? तो मैनेजर जो रेगुलेशन 27 में जो अपॉइंटमेंट किया गया है एज पर रेगुलेशन, मैनेजर कौन है जिसका अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 27 में किया गया है, वही मैनेजर कहलाएगा। असिस्टेंट मैनेजर क्या?
असिस्टेंट मैनेजर ओवरमैन से ऊपर पोस्ट है, मैनेजर से नीचे का पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर मतलब क्या है, मैनेजर को असिस्ट करने के लिए जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है, ओनर एजेंट या मैनेजर, ठीक है। तो ये पर्सन जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट रहेगा, और अपॉइंटेड जिसका किया गया है किसके द्वारा, ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा, काहे के लिए किया गया है कि मैनेजर को असिस्ट करने के लिए, किसमें, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन के काम में, ऑफ द माइंड और पार्ट देयर, ठीक है। एंड हु होल्ड्स द रोक रैंक है, मतलब क्या बताएं कि मैनेजर के जस्ट नीचे का रैंक होगा और ओवरमैन सरदार से सुपरियर रैंक होता है, ज्यादा होता है। मैनेजर का एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई भी एग्जाम, डीजीएमएस का एग्जाम है ना, तो डीजीएमएस का एग्जाम के लिए मिनिमम 20 साल एज चाहिए, मिनिमम 20 साल एज चाहिए। एजेंट कौन हो गया, तो जब माइंस के रिलेशन में बात करेंगे तो मींस प्रत्येक व्यक्ति, मींस एवरी पर्सन जिसका एजेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया हो या नहीं किया गया हो, लेकिन जो हु एक्टिंग और परपटिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, मतलब जो या तो एक्ट कर रहा है ऑलरेडी, या ओनर के बिहाफ में जो काम कर रहा है और मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ले रहा है, तो वो एजेंट कहलाता है। अरे यार, मैनेजर का अपॉइंटमेंट वगैरह है ना, ओनर एजेंट मैनेजर, तुमसे नहीं पूछेगा मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सब कंपनी लेवल पे होता है, सिलेक्शन कंपनी लेवल होता है, वहां से डायरेक्टर चिट्ठी निकालेगा, वो एरिया जीएम को के नाम पे देगा, एरिया जीएम पीओ को दे देगा, पीओ पोस्टिंग दे देगा माइंस में, ऐसा करके होता है। आ रहे, अभी डाउट नहीं ले रहे हैं, दो तीन और कुछ कर लेते हैं उसके बाद डाउट लेते हैं। ओवरमैन, ओवरमैन मतलब क्या, जिसके पास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ओवरमैन सर्टिफिकेट भी हो सकता है। अब देखो, ओवरमैन का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अभी क्या था यहाँ पे कि अगर हम लोग असिस्टेंट मैनेजर का देखें तो ओनर एजेंट और मैनेजर तीनों में कोई भी दिया हुआ था अपॉइंटमेंट कर रहा है, लेकिन ओवरमैन का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजर इन राइटिंग, ठीक है, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। बाकी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर का क्या ड्यूटी है, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरमैन का ड्यूटी में मैनेजमेंट कंट्रोल का ड्यूटी नहीं आता है, सुपर मैनेजमेंट और डायरेक्शन का नहीं है, इसमें क्या क्या है, सुपरविजन और कंट्रोल करने का, कि ओवरमैन को सुपरविजन करना है माइंस से किसी पार्ट का या पूरे माइंस का, और वहां पे सुपरविजन और कंट्रोल करने काम करना है, और ये सरदार से सुपरियर होता है। प्रिंसिपल ऑफिशियल मतलब क्या, हमेशा ध्यान रखो, प्रिंसिपल ऑफिशियल मतलब अगर मान लो मैनेजर अब्सेंट है, मैनेजर नहीं है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफिशियल किसको माना जाएगा, माइनिंग डिसिप्लिन का। मैनेजर के बाद जो उसी रैंक, मान लो मैनेजर अब्सेंट है, तो जस्ट जो वहां पे सीनियर रहेगा माइनिंग डिसिप्लिन का, सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफ माइन ऑफिशियल, ठीक है ना, इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, वो प्रिंसिपल ऑफिशियल कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन कहलाएगा, माइनिंग डिसिप्लिन का जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल वहां पे प्रेजेंट रहेगा उस सिचुएशन में। जैसे मान लो रेस्क्यू वगैरह में हम लोग पढ़े थे कि मान लो रेस्क्यू में कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है अंडरग्राउंड माइन्स में, अब एक ही मैनेजर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा, जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल रहेगा माइनिंग डिसिप्लिन को, वो वहां पे सारा चीज जो भी है रेस्क्यू वगैरह में पार्ट कर लेगा, तो मतलब पार्टिसिपेट करेगा, कैसे कहाँ भेजना है क्या करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तो सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इन रिलेशन टू एनी माइन बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जो भी हो सकता है, जिसके पास क्या पावर है, हु इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ
मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में माइन सिचुएटेड है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या है, पावर है कि लॉ एंड ऑर्डर उस डिस्ट्रिक्ट का मेंटेन करने का। साथ में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ माइन, अगर कहीं पे कोई माइंस इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, मान लो एक गिरिडीह में, दूसरा माइंस मान लो सिचुएटेड है इधर धनबाद वाले में, ठीक है, कोई एक माइंस है कि गिरिडीह में भी कुछ पोर्शन आ गया, कुछ पोर्शन धनबाद वाले में भी आ गया, तो उस केस में ये जो कॉमन पोर्शन जो आ गया वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा या धनबाद वाले के अंदर आएगा, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, बोल देगा अच्छा गिरिडीह वाले आप ही संभाल लीजिए पूरा, धनबाद वाले का भी जो कुछ पोर्शन इधर आ रहा है अब, या धनबाद वाले को बोल देगा कि आप गिरिडीह वाला संभाल लीजिए, ठीक है। अगर कुछ वैसा कहीं आता है सिचुएशन कि कोई माइंस जो है कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में, कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस केस में वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा, ओवरऑल कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने किसका जिम्मेवारी होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड वहां पे कर लेगा। रीजनल इंस्पेक्टर कौन होता है, एक ही चीफ इंस्पेक्टर होता है जिसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है, और बाकी है कि चीफ इंस्पेक्टर मान लो धनबाद में बैठता है, TAWCL, ACCL, MCL, CCL सभी जगह तो जाके सुपरविजन नहीं कर सकता है, तो कुछ तो अपना हाथ रखना होगा इसको, इसीलिए क्या किया है, रीजनल इंस्पेक्टर एक पोस्ट क्रिएट किया गया है रीजनल इंस्पेक्टर का। और ये रीजनल इंस्पेक्टर क्या है कि मान लो CCL का जितना भी मान लो माइंस की CCL मान लो टोटल 80 माइंस अगर मान लो, तो कुछ पार्टिकुलर एरिया बांट दिया है कि एक धोरी एरिया हो गया, कथारा, BNK, तो हो सकता है कि ये तीनों एरिया का मिला के एक दे दिया है कि रीजनल इंस्पेक्टर की, चलिए कोडरमा रीजन का जो, क्योंकि इधर का कोडरमा ही है, तो कोडरमा में रीजनल DGMS का जो ऑफिस है, तो वहां पे जो रीजनल इंस्पेक्टर बैठेंगे उनके जिम्मेवारी में ये तीनों एरिया का जो भी सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड चीज वो ये संभालेंगे यहाँ पे, तो वो रीजनल इंस्पेक्टर हो गया, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया का दे दिया जाता है उसको चार्ज संभालने के लिए। तो मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर ए जियोग्राफिकल एरिया इन विच द माइन इज सिचुएटेड, ठीक है, कोई पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हो गया, अब मान लो हजारीबाग तरफ वाला एरिया जाएंगे, रजरप्पा वगैरह वाला एरिया जाएंगे, तो उधर के लिए हो सकता है रीजनल इंस्पेक्टर, रांची में जो DGMS का ऑफिस है वो रीजनल इंस्पेक्टर उधर का देख रेख करता हुआ, तो ऐसा हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि उसके ऊपर अपना वो जो भी है पावर वगैरह है एक्सरसाइज करेगा जो एक्ट के तहत दिया हुआ है। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सभी को पता है, ध्यान रखना है कि 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ का होल अगर ड्रिल करेंगे, 3 मीटर से ज्यादा, ठीक है, ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ, और उसका यूज करेंगे हम लोग ब्लास्टिंग पर्पस के लिए इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन, तो वो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहलाएगा, तो 3 मीटर नहीं 3 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि रेस्क्यू ट्रेसिंग, जो रेस्क्यू ट्रेंड मतलब अंडरग्राउंड में मान लो जो रेस्क्यू ट्रेनिंग मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाया जाता है, तो बोला जाता है कि रेस्क्यू ट्रेसिंग रखना चाहिए, तो रेस्क्यू ट्रेसिंग कितना होना चाहिए, ऑप्शन रहता है कि 1, 2, 3, नन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेस्क्यू ट्रेसिंग भी मोर देन 3 होता है, मोर देन 3 होता है, तो ये चीज दोनों